भयानक तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां के मोहन नगर इलाके में स्थित एक प्लास्टिक पाइप के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। ये गोदाम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बेहद करीब होने से आग का खतरा और बढ़ गया था। आगजनी से निकले धुएं ने आसपास के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था। भीषण आगजनी पर कई टैंकर पानी डाला गया और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी और नगर निगम का अमला भी घटनास्थल पर पहुंचा। आग पर काबू पाने के बाद निगम के अमले ने गोदाम को तोड़ दिया है। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि रहवासियों, नगर निगम, पुलिस प्रशासन सबके सहयोग से आग पर काबू पाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी। उसमें लगभग 90% के आसपास काबू पा लिया है, पर उसके बाद भी टीम लगी है कि जेसीबी से सारे जो हैं पाइप्स वगैरह उनको अलग अलग करते हुए आग को पूरी तरह से बुझाना सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद आग के कारण और ये जो मतलब गोदाम किस तरह से बना है, जिस तरह के आक्षेप सब लोग लगा रहे हैं रहवासी वगैरह, उन सबकी जाँच करेंगे और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो करेंगे। सावध कॉलोनी में अभी लगभग एक घंटा पहले यह कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पर कोई गोडाउन है जिस पर कि भीषण आग लगी हुई है। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली तो नगर निगम की 3 फायर लॉरी, इप्का की जितनी फायर लॉरी है, इसके अलावा जिले में जितने भी जो है फायर लॉरी है, कलेक्टर महोदय की तरफ से भी उनको भी खबर कराई गई। मैंने भी इप्का में बात की तो सभी जो है ये फायर लॉरी मिल करके लगभग जो है 10 फायर लॉरी नगर निगम की रतलाम सहित 10 फायर लॉरी और उसके साथ जो है लगभग जो है 20 टैंकर और जिस पर कि फॉर्म सहित जो लॉरी है उसके सहित यहाँ चालू है और लगभग एक घंटे के अंदर इस पर आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। ये ये कोई अनुमति नहीं इसकी ली गई है। बताया जा रहा है कि रतलाम के कस्तूरबा नगर बाईपास रोड के पास मौजूद मोहन नगर में बने पाइप के गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में पीवीसी पाइप भरे हुए थे जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। गहरा काला धुआं शहर में दूर दूर तक नजर आने लगा। गोदाम की आगजनी से निकले धुएं ने आसपास के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया भी जा रहा है कि ये गोदाम बिना अनुमति के बनाया गया था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, उसकी जांच हो रही है। वहीं आग से गोदाम में रखे करीब 1 करोड़ से अधिक के मूल्य के पाइप जलकर राख हो गए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।